maths teacher. Today we'll discuss about class 12 NCERT lesson matrices. This is part 4 video. In this video we will discuss about example number 3. Okay, see the example. Construct a 3 into 2 matrix whose elements are given by Aij is equal to half of mod of I minus 3j mod complete. Okay, तो ये आपको एग्जांपल्स देख रहे हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ 3 इनटू 2 मैट्रिक्स, मतलब आपको 3 इनटू 2 मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. और यहां पर आपको क्या एलिमेंट्स गिवन दे रहे हैं, यहां पर ए आई जे. सबसे पहले आपको यहां पर एक बात ध्यान में रखना है, ये आपका ए आई जे. ओके, तो आई यानी क्या रहता है, यहां पर रो रहता है, रॉ रहता है. एंड ये जे यानी क्या रहता है, कॉलम रहता है. ओके, ये बात ध्यान में रखना. ये क्या है, आई क्या रहेगा आपका रो एंड जे क्या रहेगा कॉलम. अब यहाँ पर देखो आपको मतलब 3 इंटू 2 का कॉलम पर मतलब 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स चाहिए, मतलब यहाँ पर आपको 3 रो चाहिए और कॉलम कितने चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए. ओके, तो इसका जनरल फॉर्म हम मतलब यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पर देखो 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, देन 3 इंटू 2 मैट्रिक्स. ओके, क्या होगा यहाँ पर आपका 3 इंटू 2 मैट्रिक्स. अब इन जनरल में देखेंगे. ओके, द 3 इंटू 2 मैट्रिक्स इन जनरल फॉर्म में देखेंगे. जनरल किस तरह से होगा, यहाँ पर आपको एक बार ध्यान रखना है 3 रो होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर हम 3 रो सो 2 कॉलम. हम जनरल फॉर्म किस तरह से लिखते हैं, ए 1 1 ए 1 2. ओके, देन अब एक्सप्लेन करता बता दो, यहाँ पर बस कंप्लीट कर लेंगे. नाउ क्या होगा, ये ए 2 1 ए 2 2 ए 3 1 ए यहाँ पर 3 2. ओके, ये आपका मतलब 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स हो गया. ओके, इसी पे एक अल्फाबेट से आप डिनोट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू इन जनरल में द 3 इंटू 2 मैट्रिक्स इन जनरल क्या होगा आपका इस तरह से. अब यहाँ पर देखो ए 1 1 ए 1 2 सो ये क्या होता है. ओके, तो यहाँ पर देखो ए 1 1 यानी क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. नाउ ये क्या है, फर्स्ट रो ए 1 2 है तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसलिए यहाँ पर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. क्योंकि यहाँ पर एक बार ध्यान में रखना है कि ये आपका क्या है, रो 1 है, R1 means row 1, ये R2, row 2, then ये R3, मतलब क्या है, row 3, ये क्या होगा आपका C1, column 1, और ये C2, column 2, ओके, अब इससे समझते हैं यहाँ पर, ये हो गया, now ये देखो, second row, ओके, A21 means second row, first column, इसलिए A21, now A2, क्या होगा, second row, second column, now यहाँ पर देखो, A31, मतलब क्या है यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. और यहाँ पर देखो ए 3 2 मीन्स थर्ड रो सेकंड कॉलम. ओके, तीसरे से इसका जनरल फॉर्म हो गया. अब हमें क्या देख रहे हैं, इसके उस एलिमेंट्स आर गिवन, गिवन क्या देख रहे हैं, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 आई माइनस 3 आई जे, मतलब हमको ये देख रहे हैं, इससे हमको पूरे मतलब एलिमेंट्स फाइंड आउट करके बताना है, मतलब ये फॉर्म देख रहे हैं एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे के. ओके, I n means आपका row and j means क्या होगा यहाँ पर column होगा. So given में क्या देख रहे हैं यहाँ पर देखो, कुछ elements given क्या देख रहे हैं यहाँ पर, given में देख रहे हैं a i j is equal to क्या है half of i minus 3 j. ओके, अब इसके elements निकालते हैं, देखो किस तरह से होंगे निकलेंगे यहाँ पर a i j. तो first क्या होगा यहाँ पर 1 1. ओके, तो यहाँ पर देखो first क्या होगा आपका a 1 1. अब ये फॉर्म में पुट अप कर लो, हाफ इनटू क्या होगा मॉड ऑफ आई यानी क्या है यहाँ पर 1 है, आई यानी क्या होगा 1 माइनस 3 इनटू जे यानी क्या है यहाँ पर 1 है. ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या होगा यहाँ पर किस तरह से होगा, हाफ इनटू मॉड ऑफ ये 1 माइनस 3 इनटू 1 3, मतलब ये 1 माइनस 3 इनटू 1 3 हो गया. ओके, नाउ अगेन इसको सॉल्व कर लो, तो अगेन सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, हाफ इनटू ये क्या होगा, हाफ इनटू
अब यहाँ पर देखो हाफ इंटू वन माइनस थ्री कितना होगा माइनस टू। ओके ना, इसको मार्ट के बाहर निकालो तो क्या होगा, यहाँ पर हाफ इंटू मार्ट के बाहर निकल रहा है, मीन्स माइनस टू का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, माइनस टू का टू हो जाएगा, क्योंकि मार्ट के अंदर माइनस में रहो या प्लस में रहो, मार्ट के बाहर अगर जब निकलता है निगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये टू टू गेट कैंसल, तो रिमेनिंग क्या होगा, बचेगा यहाँ पर वन। सिमिलरली सेम इसी तरह से आपको फाइंड आउट करने है। अब सेकंड देखो, यहाँ पर सेकंड क्या है, यहाँ पर आपका यहाँ वन टू फाइंड आउट करते हैं। ओके वन टू, तो यहाँ पर हाफ इंटू क्या होगा, यहाँ पर एक बार ध्यान में रखो क्या है, यहाँ पर रो कितना है वन है और कॉलम कितना है मतलब टू है, तो क्या होगा वन मतलब आई, ये वन होगा और ये जे क्या होगा यहाँ पर टू होगा, माइनस थ्री इंटू टू। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या होगा, हाफ इंटू मॉड ऑफ कितना होगा, ये वन ही रहेगा, माइनस थ्री इंटू टू कितना होगा, ये सिक्स हो जाएगा। नाउ अब देखो यहाँ पर हाफ ऑफ मॉड में क्या बचेगा, यहाँ पर वन माइनस फाइव कितना होगा, माइनस फाइव। अब इसको देखो मॉड के बाहर निकालो तो क्या होगा, ये वन बाय टू इंटू माइनस फाइव का क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वन इंटू फाइव फाइव बाय टू हो गया यहाँ पर। देन अगेन यहाँ पर थर्ड सॉल्व करते देखो, थर्ड क्या होगा यहाँ पर आपका ए टू वन सॉल्व करते हैं। ओके अब उसी तरह से सॉल्व करना है, ये वन बाय टू मॉड ऑफ, अब ये आई कितना है यहाँ पर टू आएगा, माइनस थ्री इंटू क्या जे कितना है यहाँ पर वन है। ओके अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा, ये हाफ ऑफ मॉड ऑफ ये क्या होगा टू माइनस थ्री इंटू वन थ्री, ना इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या होगा वन बाय टू मॉड, ये क्या है टू माइनस थ्री कितना रहेगा माइनस वन। ओके अब ये क्या होगा, मॉड के बाहर निकालो वन बाय टू इंटू मॉड, ये माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा, तो क्या होगा वन इंटू वन वन बाय टू हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पर देखो, अगेन यहाँ पर क्या आपका फोर्थ सॉल्व होगा, कौन सा ए टू टू। ओके वही इसमें पुट अप कर लो, वन बाय टू मॉड ऑफ आई कितना है टू माइनस थ्री इंटू जे कितना है यहाँ पर टू है। ओके नाउ अगेन इसको सॉल्व कर लो, वन बाय टू मॉड ऑफ कितना होगा ये टू माइनस थ्री इंटू टू सिक्स इज इक्वल टू, अगेन इसको सॉल्व कर लो वन बाय टू मॉड ऑफ ये क्या रहेगा टू माइनस सिक्स मीन्स कितना होगा ये माइनस फोर, माइनस फोर आ गया। देन मॉड के बाहर निकालो तो क्या होगा, ये वन बाय टू इंटू ये माइनस फोर का प्लस फोर हो जाएगा। अगेन यहाँ पर आप भाग देख सकते हैं, टू वन जार टू 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 जार फोर। ओके तो कितना आएगा यहाँ पर टू बाय वन मीन्स कितना आएगा टू आएगा। ओके कितना मिला यहाँ पर हमें टू मिला। नाउ अब इसका फिफ्थ सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं फिफ्थ। यहाँ पर देखो अगेन वही फॉर्म में लाना है, कौन सा अब ये ए थ्री वन। ओके तो यहाँ पर देखो अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा, ये वही फॉर्म मतलब वन बाय टू मॉड ऑफ आई कितना है यहाँ पर थ्री है माइनस थ्री इंटू जे कितना है वन है। ओके अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर वन बाय टू। ओके अब इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, आपको थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर देखो थ्री है माइनस थ्री इंटू वन थ्री कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, मतलब क्या होगा ये मॉड जीरो हो जाएगा, मॉड जीरो मतलब बाहर निकलने के बाद जीरो ही हो जाएगा। तो ओके तो इसका आंसर कितना, मतलब इसको आप इस तरह सॉल्व करते हो वन इंटू वन बाय टू इंटू जीरो इज इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पर आपको जीरो, मॉड जीरो है यहाँ पर तो बाहर आके जीरो हो जाएगा, हाफ इंटू जीरो क्या होगा जीरो। सिमिलरली ओके जिस तरह से ये सॉल्व किया मैंने स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नाउ सिक्स का देखो, सिक्स का क्या रहेगा यहाँ पर ए थ्री टू। ओके मतलब यहाँ पर देखो ये थ्री क्या है यहाँ पर रो है और टू क्या है कॉलम है,
देन अगेन 1/2 वही फॉर्म, आई की वैल्यू कितना है यहाँ पर, मतलब 3 है माइनस, ओके। अब यहाँ पर देखो 3 इंटू जे की वैल्यू कितना है यहाँ पर, 2 है। देन अगेन इसको सॉल्व कर लो तो अब देखो यहाँ पर कितना 1/2, अब ये मार्क में 3 माइनस 6, 3 इंटू 2 कितना होगा 6 होगा, ओके। अब 3 माइनस यहाँ पर देखो 3 माइनस 6 तो कितना होगा माइनस 6 एंड 3 है, 3 माइनस 3 माइनस 6 से मीन्स कितना मिलेगा माइनस 3 मिलेगा, हाफ मॉड ऑफ माइनस 3, ओके। कंफ्यूज मत करना क्योंकि 3 इंटू सॉरी ये 3 है माइनस 3 इंटू 2 6 है, ओके। तो 3 माइनस 6 कितना होगा माइनस 3 होगा, इसको मार्क के बाहर निकालो तो ये क्या होगा 1/2 इंटू ये माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा 1 इंटू 3 3/2, ओके। तो मतलब हमको कौन कौन से एलिमेंट्स मिले यहाँ पर देखो, ये 6 एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए 1 2 3 4 5 6, ओके। मतलब ये फॉर्म में इन जनरल फॉर्म में आप ये पुट अप कर सकते हैं, मतलब आपको जनरली अगर यहाँ पर बता देता है कि अगर इसका आंसर लिखना है तो क्या होगा, मतलब इस तरह से इतना ही, मतलब यहाँ तक हमारा आंसर हो गया है, फाइंड आउट करके बताना था जस्ट। अब देखो वो वैल्यू हम पुट अप कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर देखो a इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर a11 की वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो 1 निकली, ओके। a12 की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर 5/2 निकली। नाउ यहाँ पर देखो a21 की वैल्यू, a21 की वैल्यू कितना है 1/2 है, ओके। नाउ a22 की वैल्यू कितना है 2 है। देन अगेन a31 की वैल्यू कितना है 0 है, और यहाँ पर a32 की वैल्यू कितना है 3/2 है, 3/2 है, ओके। तो इस तरह से मतलब ये हुआ आपका 3 × 2 का फॉर्म, ओके। मतलब हमने पूरे आंसर निकाल लिए, ये जनरल फॉर्म में हमने आंसर निकाल के यहाँ पर इसका आंसर फाइंड आउट किया, एलिमेंट फाइंड आउट किया, क्योंकि ऑलरेडी आपको बोला था हुज एलिमेंट्स गिवन बाय ए आई जे हाफ मॉड ऑफ आई माइनस 3 जे, जस्ट आपको यहाँ पर जनरल फॉर्म में उसकी वैल्यू पुट अप करके आंसर फाइंड आउट करके बताना था, ओके। बहुत ही सिंपल था, आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 यही खत्म होता है। थैंक यू।